वेलकम टू माय स्टूडेंट। आज हम टाइप और भर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। भर्ब का हम लोग बतला के भर्ब का हम काम करते हैं, किस काम के लिए करते हैं, पर हमने बतला दिया है। आज हम टाइप और भर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। फिर एक बार हम भर्ब का डेफिनेशन दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग भर्ब के बारे में समझ लीजिए कि भर्ब क्या है, उसको उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में आज हम फिर डिस्कस करेंगे। भर्ब की परिभाषा है कि इसका प्रयोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए किया जाता है। मेन लाइन से जैसे मान लीजिए कोई बड़े बड़े कंपनी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, तो अलग अलग जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, या तरल पदार्थ हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तो अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अलग जगह को ले जाने के लिए मेन ब्रांच लाइन से हम मेन लाइन से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांच लाइन को निकालते हैं। तो ब्रांच लाइन को निकालने के लिए हम लोग वहां एक भर्ब का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं कि जब हम लोग मान लीजिए कि ब्रांच लाइन है और काम करते समय कोई ब्रांच लाइन खराब हो गया, तो ब्रांच लाइन को रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस करते हैं। अगर भर्ब नहीं रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेन लाइन को बंद करना पड़ेगा। मेन लाइन को बंद करने का मतलब बहुत प्रकार के नुकसान हो सकता है, बहुत प्रकार के कंपनी को घाटा हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भर्ब का लगाते हैं। माने जिस ब्रांच लाइन को खराब हो गया बनाना हो, उस भर्ब लाइन को हम क्या करते हैं, वहां से बंद कर देते हैं। वहां से जो भी गैस है वो सप्लाई है या लिक्विड की सप्लाई है, स्टीम की सप्लाई है, वहां से हम क्या करते हैं, मेन लाइन से ब्रांच लाइन को बंद करते हैं। जो ब्रांच लाइन को क्या करना रहता है, रिपेयरिंग। आज हम लोग चलेंगे, पहला है निकिल भर्ब। निकिल भर्ब क्या है, निकिल भर्ब का इसमें जो निकिल तरफ होता है सुई, इसमें कंट्रोलिंग करने के लिए एक सुई के समान होता है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो भर्ब है, ये आपका स्पिंडल है, ये आपका हैंडल है, ये इनलेट है। मान लीजिए कोई इनलेट एक तरफ पदार्थ से जा रहा है, ये यहाँ से आउटलेट मतलब बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से हमने ये आपका निकिल भर्ब का आउटलेट बनाया है। और ये क्रॉस सेक्शन में बना है, ये पूरे प्लेट नहीं बना है ना, जो जिसे इसमें टीवी में हम लोग बनाते हैं वैसे नहीं बना है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में है और ये क्रॉस सेक्शन में है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन भी हमने दिखाया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो भर्ब होता है निकिल के समान होता है, निकिल के क्या होता है, समान होता है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम होता है क्या, निकिल भर्ब होता है। अभी हम लोग क्या उपयोग करते हैं जानेंगे, इसका उपयोग हम लोग सूक्ष्म बहाव नियंत्रण के लिए करते हैं। जिसे बहुत सूक्ष्म प्रकार के जब हम लिक्विड को अति करते हैं या गैस के हम लोग उपयोग करते हैं, वहां हम लोग इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। निकिल भर्ब का नाम इसलिए पड़ा, इसका जो भर्ब जो बंद करने वाला सिस्टम रहता है वो निकिल के समान होता है, सुई के सिस्टम के समान होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं निकिल भर्ब। निकिल भर्ब का उपयोग क्या करते हैं, सूक्ष्म बहाव नियंत्रण के लिए हम लोग करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आता है कि किस भर्ब का उपयोग हम लोग सूक्ष्म बहाव नियंत्रण के लिए हम लोग करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपका आ जाएगा इसमें निकिल भर्ब। अब हम चलते हैं दूसरा, गेट वाल्व। गेट वाल्व क्या है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे समझेंगे। गेट वाल्व में गेट की धाती का एक टुकड़ा कार्य करता है, जिसे आप देखे हो जाएगा जो बड़े बड़े नहर में है क्या होता है, गेट लगा हुआ रहता है, और हैंडल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस गेट को क्या करते हैं, उठाने का कार्य करते हैं। तो एक गेट का तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गेट बल रखा गया। अब गेट बल का उपयोग
दो प्रकार के फल के बारे में बताया है। अगला तब भी पढ़ाएंगे।